हेलो दोस्तों, रेलल कंपनी का 226 हेमर ड्रिल मशीन। इस मशीन में आर्मेचर जल गया है, तो इसमें हम नया आर्मेचर चेंज करेंगे। मशीन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसमें हम नया आर्मेचर फिटिंग करेंगे। इसमें जब मैंने नया आर्मेचर फिटिंग किया, फिटिंग बड़े से हो गया। फिटिंग हो जाने के बाद मशीन में, जैसे सभी मशीन हम हाथों से घुमा के चेक करते हैं मशीन बड़े से आर्मेचर मूव हो रहा है, ऐसे मूव नहीं हो रहा है। तो मेरे को फिटिंग जो ना फिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो का पूरा देखिए कितना मेहनत की है और इसको फिटिंग करते कितना ज़्यादा टाइम लगा है, कितना बार मैंने मशीन को ओपन किया है, आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को देखिए। देखिए, इसमें आर्मेचर डैमेज हो गया है, तो इसमें आर्मेचर को ओपन करके हमें नया आर्मेचर फिटिंग करना है। तो मशीन को हम ओपन कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट में ओपन करते हैं। आपको आर्मेचर ओपन करना है, तो आपको ऐसे कुछ पाती लेके फैन के नीचे आपको धीरे से प्रेस करना है। धीरे से प्रेस करने से बढ़िया से बाहर हो जाएगा, नहीं तो आपका गियर बॉक्स भी ओपन हो जाएगा। तो आपको गियर बॉक्स को ओपन नहीं करना है, आपको इसमें क्या है ना, आर्मेचर चेंज करना है। तो आर्मेचर आपको बाहर करना है। देखिए बड़े से बाहर हो गया है, तो फैन गार्ड हटा के हम इसको चेक कर लेते हैं। फ्यूल कॉइल बिल्कुल ठीक है, इसमें मार्क नहीं हो रहा है, तो आर्मेचर के साथ फ्यूल घिस नहीं रहा है। ये मशीन बिल्कुल नया है, नया मशीन है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसमें वारंटी चला गया है। इसमें आर्मेचर जलने का एक ही कारण है, इसमें कार्बन शायद छोटा हो गया, इसी वजह से थोड़ा लोड में चलाया तब फ्लास हो गया। इसमें बैरिंग थोड़ा प्ले हो गया, हमें बैरिंग भी चेंज करेंगे। देखिए आर्मेचर जल गया है, हमें इसमें आर्मेचर को बाहर करके नया आर्मेचर इसमें फिटिंग करेंगे। आपको जब भी नया स्क्रू ओपन करना है, आपको बीट इसमें अंदर डाल के हैमर से ठोकने के बाद घुमाने से बड़े से ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर डाल के घुमाएंगे तो खोलेगा नहीं, जो स्क्रू है ना ख़राब हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही अच्छे है, आप करके देखना, बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाता है स्क्रू। इसमें आर्मेचर इजी बार हो गया है, तो बैरिंग प्लेस इसमें ख़राब है। आप देख के आपको लग रहा है, देखिए इसमें बैरिंग जो ना आर्मेचर के अंदर थोड़ा ग्रीसिंग हो गया है। तो ऐसे जो फिटिंग ना, फिटिंग ठीक नहीं है, तो आपको इसको फिटिंग ठीक से करना है। जब भी हम इसको बैरिंग को ओपन करेंगे, नया बैरिंग फिटिंग करेंगे, पहले हमें बैरिंग को फिटिंग करना है, उसके बाद हम पत्ती को बैठाएंगे, उसके बाद आर्मेचर फिट करेंगे।
बैरिंग हमने ओपन कर लिए हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। मैंने बैरिंग कैसे ओपन किया है मेरे दूसरे वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो पुलर के मदद से हम इसमें बैरिंग को ओपन कर लेते हैं आगे पीछे। आगे वाला बैरिंग वाइस पुलर के मदद से हमें ओपन करना है, पीछे वाला बैरिंग हम छोटे पुलर के मदद से ओपन कर लेते हैं। नया आर्मेचर मशीन में फिट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो नया आर्मेचर फिटिंग में कभी कभार प्रॉब्लम होता है, तो इस मशीन में जैसे प्रॉब्लम हुआ है, मैंने अभी तक जितने भी मशीन रिपेयर किया है इतना कष्ट मेरे को कभी नहीं मिला। आप वीडियो को देखिए मैंने कितना मेहनत किया, उसके बाद मैंने इस मशीन को फिट कर पाए हैं। तो वीडियो बहुत ही बड़े हो गया था, मैंने इसमें जब फिटिंग किए उसमें थोड़ा फास्ट कर दिया, उसको खोलने का जो स्क्रू जो खोले हैं ना वो भी फास्ट कर दिया, दोनों को फास्ट करके आपको दिखाएंगे। देखिए साफ सफाई कर लिया है, उसके बाद हम इसमें जब भी बैरिंग फिटिंग करेंगे डेंडाइट से अच्छे से डेंडाइट करने के बाद, गोंद जैसे हम करते हैं सभी मशीन में ऐसे करने के बाद इसमें फिटिंग करेंगे। तो पूरा जो काम है आप देखिए और कितना मेहनत लगे आपके साथ शेयर करते हैं। मशीन का आर्मेचर मैंने बढ़िया से फिट कर लिया है, फिट हो जाने के बाद आपको घुमा के भी चेक कर लेना, बड़े से मूव हो रहा है, देखिए बड़े से मूव हो रहा है। तो अभी भी फिटिंग बड़े से हो गया है। धीरे धीरे करके हम फिटिंग कर लेते हैं, तो हाथों से धीरे से प्रेस करने से बैठ जाता है, तो इस मशीन में बैठ नहीं रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो गया, बैठ क्यों नहीं रहा? तो मैंने भी पहली बार देखा ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने इसको फिटिंग करने की बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बैठ नहीं रहा है। देखिए मैंने कितना मेहनत कर रहा है, मैंने बहुत मेहनत कर लिया। तो मैंने एक चीज़ सोचे है, ऐसे हो सकता है इसमें जो पीछे वाला रावर बैठता है ना वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो मैंने देखा इसमें रावर थोड़ा अलग है, 600 मशीन में जैसे रावर होता है ना ऐसे ही रावर होता है, इसमें ऐसे नहीं है। इसमें जो रावर है ना 801 मशीन में जैसे रावर होता है ना, रावर के जहाँ पे बैठते हैं उसमें लॉक होता है, तो हम हाथों से उसको प्रेस करके उसको बैठा नहीं पाएंगे। तो इसमें ऐसे होता है, देखिए ये रावर को पहले आर्मेचर में जो बैरिंग होता है उसमें फिटिंग करना है, उसके बाद हम मशीन में फिट कर सकते हैं, तब हम इसको बड़े से फिट कर पाएंगे।
फिटिंग बड़े से हो गया है, स्क्रू फिटिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम है आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए। तो फर्स्ट में हम स्क्रू को फिटिंग कर लेते हैं। नया आर्मेचर हम फिट कर लिए हैं, ठीक है। नया आर्मेचर फिट हो गया है, आपको घुमा के भी चेक करना है। देखिए इसमें फिक्स्ड हो गया है, घूम नहीं रहा, तो लॉक हो गया है। इसमें क्या हुआ है, तो ऐसे क्यों हुआ है? देखिए मैसिन आर्मेचर घूम ही नहीं रहा, हम इसको ठीक करना है, ठीक है। तो इसको खोल के हमें चेक करके देखना है इसमें लॉक होने का क्या कारण है, हमें इसको पहले पता करना है। तो मैसिन को हम फिर से ओपन करते हैं, तो उसमें ढूंढना है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो से अभी आर्मेचर हम जब भी घुमा रहे हैं, मशीन में जो आर्मेचर फिटिंग है बड़े से मूव हो रहा है। इसमें स्क्रू फिटिंग होने के बाद बड़े से मूव नहीं हो रहा है। तो इसमें ऐसे होने का जो कारण है मैंने को ढूंढना है। तो इसमें मैंने मशीन को ओपन करके देख रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले मैंने जैसे ओपन किया था ऐसे ही ओपन किया है, उसमें जो प्रॉब्लम है हमें पता करना है। तो मैंने सोचा इसमें जो फैन गार्ड है ना, फैन गार्ड में शायद लग रहा है, तो फैन गार्ड को थोड़ा चेक कर लेते हैं। फैन गार्ड मैंने चेक किए है, उसमें तो लग नहीं रहा है। तो आर्मेचर भी टच नहीं हो रहा है, तो ये होने का क्या कारण हो सकता है? सभी पेयर पास को हमें बारीकी से चेक करना है। तो घुमा घुमा के मैंने चेक किए हैं, मेरे को एक मैंने एक देखा इसमें जो बैरिंग है ना, बैरिंग के अंदर थोड़ा गैप हो गया है। तो गैप आपको देखा रहे, देखिए बैरिंग मैंने जब भी फिटिंग किया था थोड़ा सा गैप रह गया है। तो मेरे दिमाग में आया तो इस गैप को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, हैमर से ठोक के। जैसे गैप कम था चले, पहले जैसे फिटिंग था ऐसे फिटिंग कर लेते, बड़े से फिटिंग हो गया है। तो आप ही मशीन को फिटिंग करके देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे मैंने फिटिंग किया था सेम प्रोसेस में फिर से फिटिंग की है, तो आप वीडियो को देखिए। मशीन बड़े से फिट हो गया है, फिट होने के बाद फिर से लॉक हो गया। तो क्या कारण है, मैंने तो वो भी करके देख लिया, फिर से हमें खोलना है। तो खोल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो मेरा थोड़ा खोले है, खोलने के बाद घुमा के चेक कर रहे हैं, तो फिर से घूम नहीं रहा। तो क्या हो सकता है, इसमें अंदर फील के साथ आर्मेचर घिस नहीं रहा है, तो फिर भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैंने सोचा इसमें जो फैन गार्ड है ना, फैन गार्ड के साथ फैन शायद लॉक हो गया है। तो मैं वो भी चेक कर रहा हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करते। देखिए इसमें फैन इसके साथ टच नहीं हो रहा, इसमें अंदर गैप तो है, तो फिर भी इसमें क्या कारण हो सकता है? तो फिर से हमें खोल के चेक करना है। तो मशीन को हम खोल लेते हैं। मशीन धीरे से ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा है इसमें फैन गार्ड शायद टच हो रहा है, इसी वजह से मूव नहीं हो रहा है। फैन गार्ड को मैंने खोल के रख लिया, उसके बाद फिटिंग करके देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या आते हैं। फैन गार्ड तो खोल दिया, अभी तो फिटिंग हो जाना चाहिए, तो फिर से लॉक हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें स्क्रू को ओपन करने के बाद मशीन बढ़िया से फ्री घूम रहा है, और उसको नट को कसने के बाद फिर से ऐसे टाइट हो रहा है।
तो फिर से हमें मशीन को खोलना है, तो उसमें पता करना है इसमें हुआ क्या है। तो नया आर्मेल जा रहा है, नया मशीन है, इसमें तो ऐसे होना नहीं चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम होता है दिमाग में थोड़ा लोड पड़ते हैं तो दिमाग में कुछ अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, तो उस आइडिया को हमें करना है, जो भी मन में सोच होता है उसको करके देखना है। तो हमें इसको मशीन को ठीक करना है, जैसे मैंने काम सीखा है सभी मशीन जैसे होता है ऐसे तो फिटिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे जब भी काम आता है ना बहुत ही खुशी मिलता है, तो काम को करके देखना है तो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए मैंने सोचा है इसमें बैरिंग के अंदर जो बैरिंग कवर गार्ड होता है ना उसको खोल के फेंक के फिटिंग करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिटिंग बड़े से हो गया है, देखिए अभी भी सेम प्रॉब्लम है, आर्मेचर मूव नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है। तो फिर से हमें खोल के देखना है इसमें हो क्या रहा है। मैंने नोटिस किया है इसमें स्क्रू को खोलते हुए जब भी घुमा रहे इसमें मूव हो रहा है, तो इसमें फिटिंग बड़े से हो जाने के बाद मूव नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा गैप करना है। तो इसके अंदर हम स्क्रू डाल के फिटिंग करेंगे तो साइज फ्री हो सकता है, तो भी हमें करके देखना है। तो हमें जो भी मन में सवाल होता है उसको करके देखना है। मैं जैसे छोटे वासा ढूंढ रहा हूँ तो उसको मिलना भी चाहिए, तो मेरे पास कुछ सामान रखते हैं तो उसी को ढूंढ के हम इसमें चार वासर को निकालना है।
ये जो छोटे छोटे चार वॉशर है, जो चार वॉशर को हम जो बॉडी के अंदर जो स्क्रू फिट होते हैं उसमें हम बैठा के फिटिंग करके देखते हैं उसमें रिज़ल्ट क्या आते हैं। तो ऐसे बहुत पुराना मशीन में कभी कभार किए हैं, मेरे को पता है ऐसे करने के बाद भी मशीन बड़े से काम होता है। तो इस मशीन में करके देखते हैं, मशीन तो बिल्कुल नया है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत पुराना मशीन में होते हैं जहाँ पे स्क्रू को फिटिंग करते हैं फाइबर के साथ एल्युमिनियम, बहुत ज़्यादा प्ले होने पर उसमें गड्ढा बन जाते हैं, तो उसमें गैप कम ज़्यादा हो जाता है, उसमें औसत देके हम उसको फिटिंग करते हैं, बड़े से फिट भी हो जाता है, उसमें मशीन बड़े से मूव करते हैं। तो ये नया मशीन में इसमें करके हम देखते हैं उसमें रिज़ल्ट क्या आते हैं, करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो करके देखना है। तो सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, तो इसी को भी ट्राई करके देख लेते हैं। वो फिटिंग कर रहे तो गिर रहा है, तो इसमें गोंद डाल के फिट करना है, नहीं तो सभी को एक साथ अच्छे से बैठाने के बाद हम इसको फिट करके चला सकते हैं। ऐसे फिट हो गया, स्क्रू को फिटिंग करके फिर से घुमा के देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या आते हैं, बड़े से मूव हो रहा है। तो और एक स्क्रू को हम फिटिंग कर लेते हैं, अभी घुमा के देखते हैं, देखिए बड़े से मूव हो रहा है, अभी हम फिटिंग कर सकते हैं। तो मेरे मन में और एक सवाल आया है, तो इसमें स्क्रू फिटिंग करने के बाद मशीन बड़े से मूव कर रहा है, तो इसमें आर्मेचर जो है ना, उसमें बैरिंग जो बैठा है, आर्मेचर थोड़ा लंबे हो गया, इसी वजह से बॉडी के साथ टच हो रहा है, तब ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे मन में एक सोच है, तो ग्राइंडर निकल के हम पीछे वाला जो लोहे का सेफ्ट है जहाँ पर हम बैरिंग फिटिंग करते हैं उसको कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके फिटिंग करके देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है। तो हमें वासा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बढ़िया से फिटिंग रहेगा, तो नया मशीन नया जैसा हो जाएगा। ग्राइंडर से मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया, और रबर को फिटिंग करके देख लेते हैं, बैरिंग में हीट नहीं हुआ है तो बड़े से मूव हो रहा है, तो इसमें कटिंग कर लिया, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा शायद बैरिंग थोड़ा और नीचे जाना चाह रहा है, तो इसमें कटिंग की है तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। फिर से हम फिटिंग करते हैं, तो इसमें वॉशर था, वॉशर अंदर चला जा सकता है, तो अच्छे से साफ सफाई करके हम फिट करके देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आते हैं। मशीन अच्छे से फिट हो गया है,
तो घुमा के मैंने चेक किया, फिर से पहले जैसा था ऐसे ही है, मशीन तो मूव नहीं हो रहा है। तो पहले जैसे था स्क्रू दे के जैसे फिटिंग था, तो खोलने के बाद हम ऐसे ही फिटिंग कर लेते हैं। हम फिटिंग करने के बाद घुमा के चेक कर रहे हैं, इसमें फिटिंग बड़ी से हुआ है, थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, जैसे बहुत ही फ्री घूमता है ऐसे घूम नहीं रहा है। तो इसमें मेरे को लगा है बैरिंग को थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो करके फिटिंग करके देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या आता है। बैरिंग को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हैमर से ठोक के पाइप डल के थोड़ा नीचे कर दिया, उसके बाद फिटिंग करके देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या आते हैं। फिर से जैम हो रहा है, बड़े से मूव नहीं हो रहा है। तो पहले जैसे वासत देने के बाद बड़े से फ्री हुआ था, मैंने ऐसे ही इसको फ्री कर लिया। देखिए मैंने उसको काट दिए, बहुत टाइम लगा था, फिर से खोल के वासर को फिर से फिटिंग करना बहुत टाइम लगा है। देखिए बड़े से मूव हो रहा है। तो हमें इसको कार्बन डाल के मशीन को चला सकते हैं। तो इसमें कार्बन होल्डर के अंदर जो छोटे कार्बन है, पुराना कार्बन, उसको खोलने के बाद नया कार्बन फिटिंग करके मशीन को हम चलाएंगे। में नया कार्बन फिट कर लिया है मशीन में, कार्बन को फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद मशीन को चला के देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या आते हैं। कार्बन होल्डर फिटिंग हो गया है, तो सीरीज में पहले हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद डालर में मशीन को चला लेंगे। देखिए
देखिए बड़े से मूव हो रहा है। मशीन बड़े से चल रहा है तो हमें टेस्ट भी करना है, तो बीट फिटिंग करके मशीन को चला के देखना है। तो पीछे वाला बैक कवर फिटिंग कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें जो मशीन है ना, इसमें गैप देखिए, बॉडी में गैप दिखाई दे रहा है ना, तो वासा देखे मैंने फिटिंग की है, इसमें बॉडी में बैठ जाता है, इसमें बॉडी बैठ नहीं रहा है, ठीक है, इसमें गैप है, तो इसमें मैंने वासा डाले हैं, चार वासा है इसके अंदर, ठीक है, तब इसमें फिटिंग हुआ है, नहीं तो ऐसे फिटिंग नहीं हो रहा था। मशीन हम लोग का चलाते नहीं देखते हैं, मशीन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होने का कारण है, इसमें जो बिट जहाँ पे फिटिंग होता है, टूल होल्डर प्ले हो गया है, तो हमें टूल होल्डर चेंज करने के बाद ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने एक वीडियो में देखा है, गोचेंग कंपनी का मशीन में टूल होल्डर चेंज करने के बाद ऐसे प्रॉब्लम ठीक हो गया है। मशीन बड़े से चल रहा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मशीन बड़े से चल रहा है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा।